शिवाय नमः 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 शिवाय आज प्राचीन शिव मंदिर जतवाल के अंदर आप देख रहे हैं कि आज भगवान भोलेनाथ का पहला सोमवार सावन का है, जो अभिषेक अंदर आप देख रहे हैं। अभी शंकर जी का श्रृंगार दर्शन करेंगे, तो इसी जगह पर हर साल की तरह जो हमारे चार सोमवार अलग अलग जगह होंगे, आज का अभिषेक जो है रिलीजियस टूरिज्म हेरिटेज एंड कल्चर सोसाइटी की तरफ से यहाँ हो रहा है। तो इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे महंत श्री शांतिगिरी महाराज, जो किला मंदिर के श्री महंत हैं लखनपुर से, हमारे रामनारायण दास जी महाराज महंत रिहाल से, हमारे बीच श्री हमारे बीडीसी के चेयरमैन जहां डीडीसी के मेंबर बिलावर से श्री नारायण दास त्रिपाठी जी हैं, राधे कृष्ण जी हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, अर्पण जी हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो आज सावन का पहला सोमवार है, तो एक विशेष रूप से जहां पे जो आज पूजा अर्चना हुई, तो धन्यवाद देना चाहता हूं उन गांव वासियों का जिन्होंने सारी व्यवस्था जहां खाने की लंगर की थी, और धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिनका विशेष सहयोग रहता है हर बार जितनी चार पूजा होनी है उसमें, चाहे शेखर जी हों, भरत जी हों और लोग हों, कि जो चारों पूजा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और सहयोग भी देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जहां के जो पंच हैं, सरपंच हैं, कि जिनकी देखरेख में सारा आज हुआ। तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही पूरे सावन में ये सारे चलेंगे, कहां कहां आगे होने हैं उसका विस्तार आपको दे दिया जाएगा। तो विद्वानों द्वारा जहां पे जो पूजा अर्चना की सभी का लाभ मिले, भगवान भोले बाबा जैसे अमरनाथ की यात्रा हमारी चल रही है उसमें जितने लोग शरीर छोड़ के गए हैं उनको अपने चरणों में रखें, वैकुंठ में बास दें, और जो जख्मी हैं उनको जल्द से जल्द वो ठीक करें। आपके ही चरणों में जाकर के वो जो ब्रह्मलीन हुए हैं संत उनको भी आपने सदगति देनी है, यही कामना करते हुए। दूसरा, चर्चा चली जहां पे जो मंदिरों के ऊपर प्रहार हुए हैं, जैसे बसोली मानपुर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, जैसे डोडा में आपने देखा कि आए दिन दो तीन बार वासुकीनाथ जी का और दूसरे मंदिर में अटैक हुआ और उस मूर्ति को खंडित किया गया। ये अब अपमान ज्यादा चलने वाला नहीं है। आप हमें कहते रहोगे कि नहीं आपको शाबाश ही है, हिंदू समुदाय बड़ा चुप बैठने वाला है, ऐसा नहीं है। आज गहन चर्चा इस पे हुई है और इस चर्चा में एक निष्कर्ष निकला है कि हमने एक संघर्ष करना अगर पड़ा तो वो भी करेंगे। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द उन दरिंदों को पहचाने, उनको पकड़े और उनको सख्त से सख्त सजा दें जो ऐसा नुकसान करने जा रहे हैं। और तमाम मंदिरों को निवेदन किया है कि पूरा महीना आप भगवान शंकर के ऊपर अखंड जलधारा का प्रबंध करें, ताकि जो हमारा कलश होता है उसको भरते रहें पानी के साथ और वो अखंड जलधारा जो है वो भगवान शंकर पे चलती रहे। बोलिए शंकर भगवान की जय।